लेके जाएंगे। भारतीय फौज की सफाकियत, सोपोर में नवासे के सामने नाना को गोलियां मार दी, मासूम के सामने लाश की भी बेहुरमती, बुजुर्ग की शहादत, अयाद की सिसकियां, दुनिया के मुंसिफों से मुजस्सम सवाल। ये सवेरे 6 बजे निकले थे, उसको सोपोर में काम चल रहा था, सीआरपी ने फायरिंग की, उसको मार दिया। बुजुर्ग को गाड़ी से उतार कर गोलियां मारी गईं, शहीद के अहले खाना गम से निढाल, इंसाफ देने की दुहाइयां। वादी जन्नत नजीर जहन्नुम जार की तस्वीर, कश्मीरियों की नस्ल कुशी, मजीद 2 नौजवान शहीद, काबिज फौज ने 25 मकानात को तबाह कर दिया। मोदी सरकार पागलपन का शिकार, कंट्रोल लाइन पर एक बार फिर इश्ताल अंगेजी, शहरी आबादी पर गोलाबारी, नौजवान शहीद, पाक फौज की मौत से जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां, भारतीय नाजिमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का एहतजाज, मरासला थमा दिया। भारत पुलवामा ड्रामा रचा चुका, अब भी अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी करा रहा, वजीर खारजा कहते हैं कि नई दिल्ली मुसलसल बलूचिस्तान में मदाखलत कर रहा है। चीन का भारत को एक और सरप्राइज, मोबाइल एप्स बंद करने का जवाब, चीन में ट्विटर पर वजीर आजम मोदी का अकाउंट ब्लैंक कर दिया। जो एनआरओ एनआरओ के चीख चीख करते हैं, असल में इनका हर पॉलिसी एनआरओ रहा है। ये जो शुगर कमीशन का ड्रामा था, ये इनका लेटेस्ट एनआरओ था। ये एनआरओ था वजीर आजम के लिए खुद, असद उमर के लिए खुद, बुजदार के लिए, तरीन के लिए, और तरीन के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी। वजीर आजम का एक बार फिर मनाजरे का चैलेंज, माफियाज हुकूमत के फ्रंट मैन करार, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वजीर आजम ने खुद कई एनआरओ दिए, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तनकीद। इमरान खान पीटीआई ट्विटर और फेसबुक के वजीर आजम, बहादुर इतने कि ऑपोजिशन के सामने तकरीर नहीं करते, उसामा बिन लादेन शहीद है या हला, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम से बयान पर वजाहत मांग ली। वफाकी वजीर हवाबाजी की कुर्सी बच गई, ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। पीआईए के लिए आरजी रिलीफ, यूरोपीय यूनियन से 3 जुलाई तक ऑपरेशन की इजाजत मिल गई, बरतानवी और इमारती एविएशन हुकाम का वजारत हवाबाजी को खत, पाकिस्तानी पायलट के लाइसेंस की तस्दीक मांगी। रेलवे का खसारा कम करने का प्लान, 24 ट्रेनों को प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला, टेंडर तैयार कर लिया गया। पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों का मामला एग्जीक्यूटिव का इख्तियार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नर्ख बढ़ने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उम्मीद का जलता चिराग फिर बुझ गया, पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में कमी का इम्कान खत्म, लेवी की शरह कम करने की तजवीज मुअख्खर कर दी गई। तब्दीली सरकार की कोई तदबीर काम न आई, महंगाई का पारा हाई, जून में भी 0.82% बढ़ी, दालें अंडे सब्जियां गोश्त सबके दाम बढ़े। के इलेक्ट्रिक की बेहिसी, गर्म मौसम में कराची वाले बिजली से महरूम, तवील गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका।
पाकिस्तान में कोरोना की तश्वीशनाक सूरत हाल, मुतासर अफराद की तादाद 2,11,000 से बढ़ गई, अब तक वायरस से 4,395 अफवात रिपोर्ट। कोरोना का फैलाव खतरनाक, एहतियाती तदाबीर न मानने का नतीजा सबके सामने, अब भी आवाम डॉक्टर्स की बात नहीं मान रहे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का यकसा पॉलिसी नाफिज करने का मुतालबा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज खोलने का फैसला, यंग डॉक्टर्स को तहफुजात, एसओपीज पर अमल दरामद के बगैर काम से इनकार। कोरोना का फैलाव रोकने के जतन, रावलपिंडी के मजीद 8 इलाके सील, गुलजार कायद खयाबान सर सैयद शामिल, ननकारी बाड़ी बाजार 3 रोज के लिए सील, हसास इलाकों के दफातर भी बंद। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 दिन की तौसी कर दी, तालीमी इदारे रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, होम डिलीवरी शाम 7 बजे तक मुमकिन हो सकेगी। बलूचिस्तान में भी पाबंदियां 15 जुलाई तक बढ़ गई। जहाज में मास्क ग्लव्स का इस्तेमाल जरूरी, हेल्थ फॉरम पुर कराना एयरलाइन की जिम्मेदारी, सिविल एविएशन का हिदायतनामा जारी। जाली बैंक अकाउंट्स केस, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट को नैब का बुलावा, सलीम मांडवी वाला को 9 जुलाई को पेश होने की हिदायत। रमजान शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ और हमजा पर फर्द जुर्माइद न हो सकी, हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 15 जुलाई तक तौसी। कुरम एजेंसी में जमीन के तनाजे पर झड़पें, 4 रोज में 10 अफराद मारे गए, 40 जख्मी, फरीकैन में मुजाकरात की कोशिश। मुजफ्फरगढ़ में सानिहा, 4 तालिबे इल्म दरिया में नहाते हुए डूब गए, बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खिलाफ सीरीज, कौमी क्रिकेट टीम की मैनचेस्टर में ट्रेनिंग, स्क्वाड का दूसरा ग्रुप 6 जुलाई को रवाना होगा। फवाद आलम कहते हैं कि ग्राउंड में क्राउड की कमी महसूस होगी। ब्यूटीफुली वर्क टू नाउ यूनाइटेड, मार्शल वेट्स बट ही स्कोर्स इन द नियर पोस्ट, मेसन ग्रीनवुड। इंग्लिश फुटबॉल लीग, मैनचेस्टर यूनाइटेड का शानदार खेल, ब्राइटन को 3-0 से पिछाड़ दिया। टोक्यो डिज्नीलैंड भी सूरज का पारा हाई, दिन भर खूब आग बरसाई, महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान है।